रूल नंबर टू, रूल नंबर टू, ओके लेट्स सी रूल नंबर टू. नाउ लेट्स सी रूल नंबर टू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर फॉर द रूल नंबर टू. व्हाट इज रूल नंबर टू? रूल नंबर टू इज टेलिंग दैट सब्जेक्ट वन प्लस प्लूरल नाउन. जब हम कहीं देखें कि सब्जेक्ट में वहां लिखा हुआ वन, उसके बाद प्लूरल नाउन है, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो माई फ्रेंड्स प्लूरल है और वन जो लगा होगा वो तो वन सिंगुलर है. तो ये हमारा स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है कि इफ देयर इज वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ऐसा अगर कंडीशन हो तो वर्ब हमारा क्या होगा. सो द रूल फॉर द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, याद रखेंगे इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख डाले हैं SVA. अब हर जगह SVA लिखेंगे ताकि थोड़ा टाइम सेविंग हो. इज दैट द सब्जेक्ट वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, याद रखेंगे. चाहे कुछ भी हो जाए, वन के बाद अगर आता है, वन ऑफ के बाद अगर प्लूरल भी आता है, प्लूरल नाउन भी, तो हमेशा भर सब्जेक्ट जो है वो कैरी करेगा सिंगुलर को. क्या करेगा? सिंगुलर कैरी करेगा, ठीक है. एंड द वर्ब अलोंग विद इट इज ऑल्सो सिंगुलर. अब जब वन है तो वन सिंगुलर ही है, इसलिए वर्ब जो होगा हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा. एग्जाम्पल देखें, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो ये प्लेस क्या है? ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर वर्ब SV. और क्रिकेट वेरी वेल, वन ऑफ माई नेबर्स, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, लेकिन यहां वर्ब जो लग गया वो क्या हो गया? सिंगुलर लगा. तो पहला रूल हमारा हो गया कि वन ऑफ के साथ अगर प्लूरल भी आता है तो सब जो सब्जेक्ट हो, अगर वन ऑफ के साथ कोई प्लूरल नाउन भी आता है तो वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा. फर्स्ट लॉ क्लियर. चलिए थर्ड लॉ को देखते हैं हम लोग.